बिहार के पटना में दिनदहाड़े हुई इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की गोली मारकर हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। गोली चलने के बाद रुपेश की पत्नी अपने बच्चों को फ्लैट पर ही छोड़कर जख्मी पति को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन वह अस्पताल में ही दम तोड़ चुके थे। वह अस्पताल में बार बार बेहोश हो रही थी। होश में आने पर उन्हें यही लग रहा था कि अस्पताल में उनके पति का इलाज चल रहा है। पति की मौत पर 2 घंटे तक उन्हें यकीन नहीं हुआ था। छपरा के रहने वाले रुपेश सिंह की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है, क्योंकि पटना में रुपेश का रुतबा सेलिब्रिटी जैसा था। रुपेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई नामचीन हस्तियों के साथ फोटो भी पोस्ट की हुई हैं। रुपेश सिंह के तमाम बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध थे, क्या राजनेता और क्या अभिनेता, सभी रुपेश को जानते थे। कई सेलिब्रिटीज़ के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे। हालिया विधानसभा चुनाव में भी रुपेश के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। ऐसा बताया जा रहा है कि एयरलाइंस में काम करने के साथ ही रुपेश सामाजिक कार्य में भी काफ़ी रुचि दिखाया करते थे। पटना एयरपोर्ट पर विमानों के सुगम प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी यात्री सुविधाओं को बहाल करने की अनुशंसा भी करती थी। रुपेश इसके अध्यक्ष थे। खबरों के मुताबिक रुपेश सोमवार को छुट्टी मनाकर गोवा से लौटे थे। छुट्टी से लौटने के बाद मंगलवार को ड्यूटी पर उनका पहला दिन था। दरअसल मंगलवार को जब कोरोना वैक्सीन की पहली खेप विमान से पटना पहुंची, तब रुपेश एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। वैक्सीन को स्पाइसजेट की फ़्लाइट से लाया गया था। इसके बावजूद इंडिगो कंपनी के फ्लाइट मैनेजर होने के नाते वो वहाँ उपस्थित थे। फिलहाल पुलिस ने रुपेश सिंह के हथियारों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले की तहकीकात कर रही SIT ने पटना, गोपालगंज और छपरा में छापेमारी की है। इसके साथ ही रुपेश के सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उसे कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। न्यूज़ डेस्क।